Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I got my Botox treatment done. ये एक हेयर ट्रीटमेंट है जिसमें लेस ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं. सो इसका फुल प्रोसीजर मैं आपको अभी दिखाऊंगी. एंड दिस हेल्प्स फॉर हेयर फॉल और नेचुरल हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है. डैमेज हेयर के लिए है ये. हम कर रहे हैं मेजेस्टिक एम के हेयर बोटॉक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट प्रोसेस है कि हेयर वॉश किया जाएगा एम के हेयर शैम्पू से ही. एंड अच्छे से रिंस करा है हेयर को. एंड दे आर यूजिंग दिस शैम्पू, एम के बोटॉक्स क्लैरिफाइंग शैम्पू हम यूज़ कर रहे हैं. एंड अच्छे से वॉश करना है. एंड हमें थोड़ी देर शैम्पू को हेयर में छोड़ देना है ताकि इसकी हेयर क्यूटिकल्स खुल जाएँ, जो कि ज़रूरी है फॉर बोटॉक्स ट्रीटमेंट. सो वी आर लेटिंग इट देयर बाय 5 मिनट्स. एंड नेक्स्ट वी आर जस्ट रिंसिंग ऑफ द हेयर. शैम्पू से पूरा रिंस करना है, वाटर से क्लीन ड्राई हेयर करना है. या आफ्टर रिंसिंग टॉवल ड्राई करके वी नीड टू ब्लो ड्राई आवर हेयर. अच्छे से हेयर ड्राई करना है. या सो वी आर जस्ट ब्लो ड्राइंग. पूरे अच्छे से हेयर को सुखाना है. एंड सेक्शंस बना रहे हैं हमारी टीम से सब. सेक्शंस बनाकर हम एम के का हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट स्टेप 2 अप्लाई करेंगे. एनी डाई ब्रश या हेयर कलर एप्लीकेशन वाला ब्रश से आप उसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो. पूरे एक एक स्ट्रैंड को लेके हमें अच्छे से लगाना है पूरे हेयर लेंथ तक. आप देख रहे हैं एप्लीकेशन हो रही है विद द टेल कॉम से. फिर वो मर्ज कर रहे हैं ताकि अच्छे से क्यूटिकल्स जो ओपन हैं उसके अंदर मर्ज हो जाए. हम एक्चुअली हेयर में प्रोटीन ट्रीटमेंट दे रहे हैं. यस, पूरे लेंथ तक लगाना है ये. इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट. मैं हर ईयर लेती हूँ. एवरी ईयर मैं ये प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरी एवरीडे स्टाइलिंग होती है. हेयर ट्रीटमेंट्स होती हैं, हेयर वॉश होता है, ब्लो ड्राई होता है. तो ये सब चीज़ों को बचाता है. एंड इवन हेयर कलर होता है, टचअप होता है, उससे हेयर हमारे बहुत ड्राई हो जाते हैं. तो मैं ये एवरी ईयर लेती हूँ. ग्लव्स पहन के मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हेयर पे लगा रहे हैं, साथ साथ में कॉम भी कर रहे हैं. आप देख सकते हो ये प्रोसेस. गाइज, मेरी तरफ से सबको मैं सजेस्ट करूँगी, दिस इज़ गुड फॉर डैमेज हेयर. केमिकली ट्रीटेड हेयर बहुत ज़रूरी है. ये वर्जिन हेयर में भी बायोटिन कर सकते हैं. अब हमें अच्छे से इसे फॉइल से सेट करना है. फॉइल से रैप करना है हेयर को. एंड वी नीड टू लीव इट फॉर 45 मिनट्स. पूरा 45 मिनट्स वेट करना है, लेट इट ड्राई ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. ना ही हमें हेयर लगनी चाहिए, इसलिए हमें फॉइल से इसको हमने अच्छे से लपेट दिया है पूरा हेयर को. सो आफ्टर 45 मिनट्स वी विल जस्ट वॉश ऑफ लिटिल लिटिल लोअर, जहाँ से मेरे ब्लॉन्ड हेयर हैं वहाँ से हम इसे क्लीन कर देंगे. थोड़ा सा रिंस कर देंगे पानी से. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकालना है वहाँ से, एंड्स में, सिर्फ एंड्स को. नाउ बाकी पूरे हेयर में वो लगा हुआ है बोटॉक्स, उसको ऐसे ही हमें सुखाना है, ब्लो ड्राई करके हेयर ड्राई करने हैं ताकि वो अच्छे से हेयर में अब्सॉर्ब हो जाए. दिस इज़ व्हाट द बोटॉक्स ट्रीटमेंट इज़. केराटिन की तरह है ये गाइस, बट लेकिन ये केराटिन ट्रीटमेंट नहीं है. दिस इज़ बोटॉक्स ट्रीटमेंट. इट इज़ लेस ऑफ केमिकल्स. केराटिन में केमिकल्स होते हैं, इसमें केमिकल्स नहीं हैं. हमें अच्छे से हेयर ब्लो ड्राई करने हैं, लेंस में भी अच्छे से पूरे हेयर को ड्राई करना है. मतलब पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्यूम्स की तरह थोड़े से प्रोडक्ट निकलेगा भी. ये प्रोसेस में गाइस 3 आवर्स पूरे लगते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ठीक है, इट्स वर्थ इट. वेट एंड वॉच गाइस, आपको रिजल्ट दिखेगा इसमें कितने नरिश्ड हेयर लगते हैं.
अब जहाँ हेयर ड्राई हो गया है वहाँ पर टेक्नीशियन प्रेसिंग कर रहे हैं, या प्रेसिंग अच्छे से ऑल ओवर पूरे हेयर में करना है। प्रेसिंग कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हमारे हेयर बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्मूथ हो जाएंगे, एक्चुअली ये इसलिए है कि हमारे हेयर रिलैक्स हो जाएं। इससे हमारे हेयर स्ट्रेट नहीं होते हैं, 30% स्ट्रेट होते हैं, रिलैक्स करता है बस ये। एंड नाउ शैम्पू एंड देन हेयर मास्क, अच्छे से कॉम करते हुए हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। Also guys, if you like this video, do subscribe to my channel and you can book your appointment for this Botox treatment. इसकी starting range है 4000 and ये मेरे hair की before condition थी and now you can see the result. Amazing, this is less of chemicals. Wow, I am just loving it. So also subscribe to my YouTube channel guys. Bye bye, take care.